केस नंबर एक। केस नंबर दो। केस नंबर तीन। केस नंबर चार। हेलो गाइस, वेलकम बैक एवरीवन टू साइको प्रोफेसर। तो अभी आपने देखे हम कराते हैं आपकी एनटीए यूजीसी नेट साइकोलॉजी की प्रिपरेशन, आपके हिंदी में भी और आपके अंग्रेजी में भी, सो कॉल्ड अंग्रेजी में भी। ठीक है, अभी आपने देखे केस एक दो तीन चार। ठीक है, आशा करते हैं आपने इस केसेस को अच्छे से ध्यान दिया होगा। तो जो आज हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं, वो किसके बारे में है? आप लोग ने फर्स्ट और थर्ड केस में क्या सुना? आपने क्या सुना? आपने सुना एक सिग्नल। सिग्नल क्या था यहाँ पे? हमारा सिग्नल था घंटी की आवाज। ठीक है, चलिए फिर इस खूबसूरत लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक प्यारी सी मुस्कान के साथ इसको लाइक कर दीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के बारे में। ठीक है, मोस्ट आईएमपी है आपके लिए ये। आपके अगर 2022 की बात करें, दिसंबर के प्रश्न पत्र की, तो वहां पे आपको ये वाला सवाल देखने को जरूर मिलेगा। किसके ऊपर से? एस डी टी के ऊपर, जिसे क्या बोलते हैं हम, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। तो अगर आपने आज के पहले इसके बारे में नहीं सुना, नहीं पता, नहीं कुछ किया है, तो लेक्चर को देखिए अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बात करेंगे हम अपने इसी सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं संकेत संज्ञापन सिद्धांत। ठीक है, तो किसी भी संकेत के लिए क्या आवश्यक हो जाता है? हमको किसी भी चीज को अगर संज्ञा में लेना है तो जरूरी क्या है? उसका होना, और किस चीज का होना? उस स्टिमुली का होना, उस उद्दीपक का होना। यदि कोई भी चीज क्या हो रही है, कोई भी चीज अगर हमारे संज्ञान में आ रही है, तो इसका मतलब सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि वो क्या है? एक स्टिमुलस है। ठीक है, यानी कि वो एक उद्दीपक है। ठीक है, उद्दीपक है, उसके बाद ही कहाँ आएगी वो हमारे संज्ञान में आएगी। तो इस थ्योरी का पूरा नाम क्या है? सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। यानी कि सिग्नल, यानी कि जो स्टिमुलस है उसको क्या कर सक रहे हैं हम, डिटेक्ट कर पाएंगे या नहीं, उसके बारे में यह सिद्धांत बात करता है। ठीक है ना, रोजमर्रा के जीवन में नॉर्मल बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते वाली बातें नहीं करेंगे। मेन क्या है? मेन यह है कि रोजमर्रा के जीवन में कई बार ऐसा होता है, आप रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पहुंचते ही आपको लगता है कि यहाँ पे आपके दोस्त का घर है। ठीक है, यहाँ पहुंचते ही आपको क्या लगता है कि उसने क्या दिया है? उसने आपको आवाज दी है। ठीक है, हर बार आप निकलते हैं बचपन से, तो वो क्या करता है, जब भी आप यहाँ पहुंचते हैं तो क्या करता है वो आपको आवाज देता है ना, जो भी आपका नाम है उस नाम लेके आपको आवाज देता है। ठीक है, अब क्या हुआ, 10 साल बीत गए, आप लोगों की लड़ाई हो गई, आप अगेन वहां से जा रहे हैं, वही घर बना हुआ है, उसकी शादी, बच्चे, बीवी, लड़का लड़की जो भी है सब हो चुका है, उन्होंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी काफी अच्छे से पढ़ ली है, और फिर आप क्या करते हैं, इसी रास्ते से आते हैं और यहाँ पहुंचते ही आपको क्या लगता है यहाँ पे कि वो आपको फिर से आवाज दे रहा है। ठीक है, तो ये जो आवाज है, ये जो साउंड है, ये क्या है हमारे लिए? ये हमारे लिए स्टिमुली है। ठीक है, यही साउंड, यही जो साउंड किस रूप में है, फिजिकल है ना, फिजिकल रूप में है, भौतिक रूप में है। तो कोई भी स्टिमुलस कैसा होना चाहिए? भौतिक रूप से जब होगा तो हम बात करेंगे कि हम उसको यहाँ पे आके क्या लग रहा है आपको, वो कि वो आपको फिर से आवाज दे रहा है। ठीक है, लेकिन वास्तव में कहाँ है वो, यहाँ पे ना होके वो तो जाके कैनेडा में कहीं जाके वो बैठ चुका है। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि नहीं, वो यहाँ पे आ क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे आवाज दे रहा है। ठीक है, तो दो चीज जरूरी हो जाती हैं, या तो हाँ या फिर नहीं। ठीक है, उद्दीपक के बारे में अगर हम बात करें, जो स्टिमुलस के बारे में, या वो क्या है, हाँ है वहां पर या फिर नहीं है, उसी के बारे में हमको बात करनी है। ठीक है ना, बात करें इस सिद्धांत के इस्तेमाल की, इसका हम यूज क्यों करते हैं? यूज करते हैं हम अपने निर्णय लेने के लिए, उसकी क्षमता का हमको मालूम पड़ता है, किस प्रकार की हमारी निर्णय क्षमता है, या फिर हमारे इन्हीं निर्णयों के बारे में कौन सी परिस्थितियों में, किसी विशेष परिस्थितियों में हम किस प्रकार से निर्णय लेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दिल्ली में है आप, और दिल्ली में क्या पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, ठंड पड़ती है तो क्या होता है, आपकी आंखों के सामने इस तरह से
अगर हम बताएं यहाँ पे, तो इस तरह से क्या हो जाता है, पूरा कोहरा कोहरा, धुंध धुंध यहाँ पे पूरी तरह से हो जाती है। ठीक है, आप खड़े हैं इस तरफ, ये है बीच में रोड है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपकी ये रोड है, ठीक है, और इस तरफ भी क्या है, दूसरी वाली यहाँ पे पार्किंग है इस तरफ, ठीक है, ये है आपकी, इस तरफ फुटपाथ बना हुआ है और इस तरफ भी क्या बना हुआ है, यहाँ पे फुटपाथ बना हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, कौन सी गाड़ी आपके सामने से जा रही है, कौन सी नहीं जा रही है ना, इस सब का क्या करते हैं, इसके बारे में आप जज करते हैं, निर्णय करते हैं, कैसे कि कोई स्टिमुलस प्रेजेंट है या नहीं, उसके आधार पे आप ये डिसाइड करेंगे। और फिर आप क्या करेंगे, यहां से यहां तक की जो रोड है उसको पार करेंगे। ठीक है, और अगर आपने क्या किया, डिसीजन में आपके चूक हुई है ना, ये विशेष परिस्थिति है, ऐसा तो नहीं कि रोज ही कोहरे में आपको रास्ता पार करना है, कि अगर चूक हुई तो क्या है, चूक के बाद आपको फिर यही है कि समझ ही गए आप, आपके साथ दुर्घटना होने की बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है। ठीक है, तो हम निर्णय किस प्रकार से करेंगे, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये डिपेंड करता है SDT की मदद से हम इसको जान सकते हैं। ठीक है ना, तो ये निर्णय लेने की क्षमता किसके पास है, ये केवल मानव के पास क्षमता है कि वो किसी भी भौतिक उद्दीपक के बारे में क्या कर सकता है, निर्णय ले सकता है, या फिर उसको अपने संज्ञान में ले सकता है, या फिर उसको क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो डिटेक्ट करेगा, जो व्यक्ति है, जो आप हम हैं, जो क्या करते हैं, किसी भी सिग्नल को हम डिटेक्ट करते हैं, ये किस पे निर्भर होता है, ये मोस्ट IMP दो कारणों पे निर्भर होता है, फर्स्ट कारण और आपका सेकेंड कारण। पहला कारण क्या हो जाता है, पहला कारण हो जाता है तीव्रता, ना तीव्रता हो जाता है यानी कि स्ट्रॉन्गनेस, ठीक है, कि आपका जो स्टिमुलस है वो कितना तीव्र है, ठीक है, आपका जो उद्दीपक है वो कितना ज्यादा तीव्र है, इस पे निर्भर करता है कि आप उस सिग्नल को या जो स्टिमुलस है उसको आप डिटेक्ट कर पाएंगे या नहीं, किस पे निर्भर करता है, उसकी तीव्रता पे निर्भर करता है। मान लीजिए जो आपने केस 1 और केस 3 में जो आपने बेल सुनी, अगर वो बहुत ही मंद बजती तो शायद आप उसको रिकग्नाइज या फिर उसको डिटेक्ट आप नहीं कर पाते। ठीक है, और सेकेंड क्या बात होती है, सेकेंड यहाँ पे बात होती है कि जो व्यक्ति है, जो आपका व्यक्ति है, वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कितना तैयार है ना, मानसिक रूप से कितना तैयार है, उसकी अवस्था किस प्रकार से है, इस बात पे निर्भर करता है कि आप उस सिग्नल को डिटेक्ट कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, तो दो बातें कौन सी होती हैं, इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, पहला क्या है, हाउ स्ट्रॉन्ग द सिग्नल इज, कितना तीव्र है वो सिग्नल, और दूसरा क्या है, फिजिकल एंड मेंटल स्टेट, ठीक है, उस इंडिविजुअल की। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, कितनी तीव्रता है उसकी और उसकी फिजिकल और मेंटल स्टेट क्या है, या कितना तैयार है वो उस सिग्नल को डिटेक्ट करने के लिए, यहाँ पे ये निर्भर करता है। ठीक है, बात करें कब आया ये, तो ये आया आपका 1950 के बाद, 1960 कहीं कहीं देखने मिलेगा, इस दौरान ही आपको कौन बताते हैं, ग्रीन एंड आपके जो स्वेट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट थे ये लोग, इन्होंने बताया किसके बारे में, हमको सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के बारे में। अब यहां पे देखिए, ये है आपका केस नंबर 1, बस यहीं पे पूरा गेम होने वाला है। अब देखिए, जैसे ही हमने केस नंबर 1 बोला, अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देख रहे हैं, तो आपके जो कान थे वो क्या हो गए थे, वो आपके कान अटेंटिव हो गए थे, खड़े हो गए थे कि आपको क्या मिलेगा सुनने, फिर से आपको वो घंटी की आवाज सुनने को मिलेगी, है ना, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, आपके 99% केसेस में आपको यही लगा होगा कि जादू नहीं है, बस ये बात थ्योरी है, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, आपको ये लगा कि अब बस घंटी की आवाज आने ही वाली है। ठीक है, ऐसा लगा ही होगा आपको कि घंटी की आवाज आने वाली है, आप कमेंट में बता सकते हैं आपको लगा या नहीं लगा। ठीक है, ओके, बात करते हैं अब हम केस नंबर 2 की। अब बात करेंगे हम केस नंबर 3 की। अभी देखिए, यहां पे फिर केस नंबर 3 बोलते ही क्या हुआ, आपके कान फिर से अटेंटिव हो गए होंगे कि क्या आने वाली है, आपकी उस घंटी की आवाज आने वाली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे केस नंबर 4 की। तो यहां पे देखिए, यहां आप उतने आतुर नहीं थे आप। ठीक है, बात करें हम C1 एंड C3 और C2 एंड C4 की। ठीक है, ओके, बात करेंगे पहले C1 और C3 की। यहां पे क्या हुआ था, जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया, आपको यहां पे क्या सुनाई दी थी, आपको यहां पे घंटी की आवाज सुनाई दी थी। तो यहां पे क्या थी आपकी फिजिकल और अब मेंटल अवस्था क्या हो गई आपकी, आपकी इस प्रकार से हो गई कि आप क्या है, इसको सुनने के लिए आतुर है ना, आपको लग रहा था कि अब C1 के बाद घंटी बजेगी और फिर अभी आपको C3 के बाद फिर से आपको घंटी सुनाई देगी। ठीक है, तो आपकी अवस्था किस प्रकार की हो गई है, आप चाह रहे थे सुनना वहां पे घंटी की आवाज, लेकिन जैसे ही हमने C2 और C4 कहा, आपको मालूम था क्योंकि प्रीवियस एक्सपीरियंस से क्या था आपके, कि यहाँ पे घंटी की आवाज आपको नहीं सुनाई
देगी। तो यहाँ पे आप क्या हो गए, यहाँ थोड़ा सा आप कूल हो गए, है ना, आपकी फिजिकल और मानसिक अवस्था भी कैसी हो गई। हाँ आपको मालूम है यहाँ पे तो आवाज बिल्कुल नहीं आने वाली है, ठीक है। ओके, बात करेंगे हम केस वन की, केस टू की, केस थ्री की, केस फोर की। तो यहां पे देखिए केस वन में क्या था, आपने घंटी की आवाज सुनी यानी कि यस यानी कि हाँ। केस टू में क्या हुआ, आपने नहीं सुनी लेकिन आपको क्या हुआ, आपको हल्का सा लगा ऐसा कि शायद बजेगी घंटी, ठीक है। हो सकता है आपको नहीं लगा हो बट अगर आप अटेंटिव हैं तो आपको लगा होगा ऐसा। केस थ्री में क्या हुआ, आपको फिर से यस मिला, आपको फिर से घंटी की आवाज आपको सुनने को मिली। और केस फोर में क्या हुआ, आपको फिर से यहाँ पे नहीं मिली, ठीक है। तो आप खुद ही देखिए, आप लेक्चर देख रहे हैं पिछले 10 मिनट से, यहाँ पे सी वन में और सी थ्री में आपकी जो अवस्था थी वो थोड़ी सी अलग थी। आपको लग रहा था कि हाँ हमको घंटी का साउंड आएगा। घंटी क्या है, कुछ नहीं, आपकी स्टिमुलस है ना, कैसी है, एक भौतिक उद्दीपक है, एक आपका फिजिकल स्टिमुलस है, ठीक है। तो यही उद्दीपक प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है, है ना, उपस्थित और अनुपस्थित की हम क्या करते हैं, उपस्थित और अनुपस्थित होने की हम बात करते हैं। केस वन में और केस थ्री में हमको जो उद्दीपक था वो कैसा था, वो उपस्थित था। और वहीं पे केस टू और केस फोर में क्या था, हमको उद्दीपक जो था वो अनुपस्थित था, है ना, हमको कोई भी घंटी की आवाज नहीं सुनाई दी। हमारे लिए स्टिमुलस क्या हो जाएगी, स्टिमुलस हमारे लिए हो जाएगी वहां पे वो घंटी, ठीक है ना। तो अब आपके पास दो चीजें हैं, एक है आपका स्टिमुलस और दूसरा कौन है आपके पास, व्यक्ति जो बताएगा प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के अंदर दो चीजें जरूरी हो जाती हैं, एक है पहला क्या है, उद्दीपक, या तो उद्दीपक होगा या नहीं होगा, या फिर व्यक्ति यहाँ पे क्या बोलेगा, या तो हाँ बोलेगा या फिर नहीं बोलेगा, ठीक है। इसको देखते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक है साइको प्रोफेसर, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो देख लीजिए बाकी सारी चीजें। ये क्या है, ये जो बीच में आपको बताया इसे हम कहते हैं सब लिमिनल परसेप्शन, है ना। इस प्रकार के जो एड चलते हैं, ध्यान पूरा आपका लेक्चर में है लेकिन धीरे से आपको क्या बता दिया जाता है, इस प्रकार की चीजें बता दी जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, सबलिमिनल परसेप्शन, है ना, यानी कि आपकी सूक्ष्म अवधारणा, ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब चलते हैं लेक्चर के ऊपर। अब यहां पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, सिग्नल डिटेक्शन पैराडिग्म, पैराडाइम क्या बोलना है, जो बोलना है वो बोलिए। ये है यहाँ पे सिग्नल, यहाँ पे देखिए आराम से एक एक चीज हम समझेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्स देखिए, ये है आपके क्या, ये है आपका उत्तर, ये आपकी प्रतिक्रिया है कि आपने रिस्पॉन्स किया। ये है आपका उद्दीपक, है ना, ये प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। ओके, तो मान लीजिए आपका जो इंडिविजुअल है यहाँ पे, किसने बताया है आपको, उन्हीं को ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ग्रीन एंड स्वेट्स, ठीक है। ग्रीन बस ध्यान रखिए, एंड स्वेट्स भी इन्होंने बताया था आपको इसके बारे में। तो हम बात करेंगे, हमारे पास एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ग्रीन, ठीक है। यस और नो कौन बोल रहा है यहाँ पे, ग्रीन बोल रहा है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास कौन है, हमारे पास है ग्रीन, वो बोलेगा अब हाँ या नहीं, ठीक है। ओके, तो बात करेंगे सबसे पहले सिग्नल, ग्रीन ने क्या बोला, यस, यानी कि उद्दीपक उपस्थित है, ठीक है। फर्स्ट क्या बोला उसने, उद्दीपक उपस्थित है, इसका मतलब क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे हिट, ठीक है, यानी उद्दीपक भी उपस्थित है और जो रिस्पॉन्स है आपका वो भी क्या है, हाँ, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम काउंट करेंगे हिट, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेकेंड केस की, बात करेंगे केस नंबर टू। ग्रीन क्या बोल रहा है, यस, ठीक है ना। ग्रीन को क्या हो गया, यहां पे भी उस बेल की, उस घंटी की आवाज सुनाई दी, ठीक है, लेकिन वास्तविकता में क्या आपने घंटी की आवाज सुनी, आपने घंटी की आवाज नहीं सुनी, है ना। यहाँ पे कोई भी सिग्नल उपस्थित नहीं था, केवल आपको क्या हुआ, हल्ले की आवाज सुनाई दी आपको, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम फॉल्स अलार्म, ठीक है ना। ना तो यहाँ पे कोई घंटी बजी लेकिन फिर भी ग्रीन ने क्या रिस्पॉन्स किया है, ग्रीन ने रिस्पॉन्स किया है यस, यहाँ पे घंटी बजी, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे हम फॉल्स अलार्म, ठीक है। अब बात करेंगे हम केस नंबर तीन की। नो, यहां पे अब केस नंबर थ्री में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है नो, लेकिन आपने तो घंटी की आवाज सुनी, आपको तो बेल की आवाज सुनाई दी,
है ना। सिग्नल क्या है यहाँ पे, उपस्थित है। सिग्नल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है, जो सिग्नल है आपका वो उपस्थित है। लेकिन ग्रीन क्या बोल रहा है, ग्रीन ने कहा कि नो, यहाँ पे हमको कोई सिग्नल सुनाई नहीं दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका मिस, है ना। सिग्नल उपस्थित होने के बावजूद भी रिस्पॉन्स क्या जा रहा है आपका, नो जा रहा है, ठीक है। ओके, बात करेंगे हम केस नंबर फोर। नो, ग्रीन ने क्या बोला यहाँ पे, फिर से नो बोला, यानी कि ये किसमें काउंट होगा, ये काउंट होगा आपके करेक्ट रिजेक्शन में, ठीक है। तो ग्रीन ने क्या बोल रहा है यहाँ पे, अब ग्रीन बोल रहा है कि नो, यहाँ पे हमको कोई भी सिग्नल या कोई भी साउंड हमको सुनाई नहीं दिया, तो ये किसमें काउंट होगा, ये काउंट होगा करेक्ट रिजेक्शन के अंदर, ठीक है। तो आपके पास क्या है, चार प्रकार के रिस्पॉन्स है सिग्नल के ऊपर, है ना, यस, हिट, फॉल्स अलार्म, नो, मिस और करेक्ट रिजेक्शन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी किस प्रकार से कार्य करती, ठीक है। तो SDT थ्योरी के अंदर आपकी जो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी, सिंगल संज्ञान थ्योरी जो है आपकी, ठीक है, संज्ञापन थ्योरी जो है वो किस पे निर्भर करती है, निर्भर करेगी आपके स्टिमुलस के ऊपर, और साथ ही साथ निर्भर करेगी इंडिविजुअल की जो अवस्था है, फिजिकल और मेंटल स्टेट जो है उसके ऊपर ये कार्य करेगी, ठीक है। या तो उद्दीपक क्या होगा, उपस्थित होगा, जो सिग्नल है ना वो उपस्थित होगा या फिर उपस्थित नहीं होगा, ठीक है ना। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जब सिग्नल उपस्थित, मतलब ध्यान तो सभी रखना है आपको, मोस्ट अच्छे से क्या ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, सिग्नल उपस्थित नहीं है, ठीक है, फिर भी क्या बोल रहा है व्यक्ति, उसको यस बोल रहा है, ठीक है। तो ये किसमें काउंट होगा, ये काउंट होगा आपके फॉल्स अलार्म के अंदर, है ना, गलत अलार्म बजा दिया आपने, ये उसके अंदर काउंट होगा। और दूसरा क्या होगा, सिग्नल उपस्थित है ना, और आपने क्या बोला, सॉरी यहां पे भी सिग्नल उपस्थित नहीं है और आपने क्या बोला, आपने बोला नो, ठीक है ना, उपस्थित नहीं है और आपने क्या बोला, उपस्थित है, तो यहां पे क्या होगा, वहां पे होगा फॉल्स अलार्म। लेकिन जैसे ही उपस्थित नहीं है और आपने क्या बोला, नो, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका करेक्ट रिजेक्शन, यानी कि आपने क्या कर दिया, सही चीज को आपने वहां पे रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। ऐसा अक्सर आपके साथ होता होगा जब आपको क्या होना है, किसी का कॉल आना है, किसी का आपको फोन कॉल का वेट रहता है, ठीक है, फोन कॉल का वेट कर रहे हैं, तो वहां पे जो आपको क्या लगता है कि पर्सन ए का कॉल आने वाला है, लेकिन मान लीजिए उसी दौरान पर्सन बी का कॉल आता है, फिर भी आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि पर्सन ए ने ही क्या किया है, वहां पे कॉल किया है, ठीक है, यानी कि क्या मिलता है आपको यहाँ पे, फॉल्स अलार्म आपको यहाँ पे मिलता है। कॉल का वेट किसका कर रहे हैं आप, कॉल का वेट कर रहे हैं आप ए का, ठीक है, ए के कॉल का वेट कर रहे हैं आप सुबह 10 बजे मान लीजिए, ठीक है, आप सुबह 10 बजे ए के कॉल का वेट कर रहे हैं, ठीक है, इतने में क्या होता है, इतने में आ जाता है किसका कॉल, बी का कॉल आ जाता है आपको, ठीक है ना, बी का कॉल आया और आप क्या बोलते हैं, यस कॉल आ गया है ना। वास्तव में जो स्टिमुलस है ए वाला वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी क्या बोला आपने, आपने बी के कॉल आने पे क्या बोल दिया कि हाँ, मतलब कॉल आया है, ठीक है। तो ये कहलाता है एक प्रकार से फॉल्स अलार्म, यानी कि उद्दीपक नहीं होने के बावजूद भी आप क्या बोल रहे हैं कि यस उद्दीपक मौजूद है, लेकिन वास्तविकता में उद्दीपक आया ही नहीं है। सेम ऐसा ही होगा इसके अपोजिट में, ठीक है, जो आप क्या बोलेंगे, ना तो उद्दीपक है और ना ही आपने कुछ रिस्पॉन्स किया है, तो ये किसमें काउंट होगा, ये काउंट होगा आपके करेक्ट रिजेक्शन में, ठीक है। ओके, ठीक है, तो इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं अपना ये वाला टॉपिक जिसका नाम है सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। ग्रीन एंड स्वेट्स SDT, इसमें आपको ध्यान रखना है करेक्ट रिजेक्शन, फॉल्स अलार्म और भी कई सारी चीजें। तो इसी के साथ अगर आप इसी प्रकार के और लेक्चर्स देखना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं जून 2023 के लिए, थोड़ा सा प्रमोशन हो जाए कोई बुरी बात नहीं है, है ना, तो जून 2023 की तैयारी करना चाहते हैं, इसी प्रकार के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आप सर्च कर सकते हैं इसको, एंड देन आप फिर हमारा ले सकते हैं एडवांस कोर्स, जिसकी कोई आपको मिलेगा चांस कि आप जल्द से जल्द जून में ही अपना ये जो सिलेबस है ना, इसको अच्छे से कवर करके आप एग्जाम दें और अपना जो नेट का सर्टिफिकेट है उसको आप लेके जाए, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, इसका प्राइस आपको ऑलरेडी मालूम है तो कोई बात ही नहीं है। एंड देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बिना कोई समय गवाइए आप लोग ज्वाइन करिए इसको, ठीक है, अंदर काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो आपका वेट कर रही हैं, इसी प्रकार के लेक्चर्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।